Student, I am Meek Singh, your English teacher. Today I am going to explain you 6th poem of 12th class, Aunt Jennifer's Tiger. Okay, so ये जो poem है, इसकी जो हमारी poet हैं वो Adrian Rich हैं. इन्होंने इस poem में जो women's हैं, उनकी हालत को दिखाया है, उनकी जो married life है उसको दिखाया है. Okay, तो हम लोग जो हमारी जो poetess हैं, जो Adrian Rich हैं, उन्होंने एक और पोएम लिखी टेंथ में ट्रीज, और ट्रीज को उन्होंने वोमेंस पे तंज कसा है, सॉरी वोमेंस के की साइड लेते हुए मेंस पे तंज कसा है. और इस पोएम में भी वो ऐसे कुछ दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि वोमेन होती हैं वो किस प्रकार से अपनी जो उनकी मैरिड लाइफ होती है उसमें सफ़र करती हैं. पूरे जीवन वो क्या घरेलू काम करती हैं और बच्चों की केयर करती हैं, उन्हें प्रोड्यूस करती हैं, और उन्हें फिर भी अपने जो हस्बैंड हैं उनसे सम्मान नहीं मिलता है. ठीक है, और लास्ट में हमारी जो ऑथर बोलती हैं कि भाई जो हमारे जो जो वोमेन हैं जब वो मर जाती हैं तो फिर भी उनके माइंड में वही बात रहती है, वही घरेलू कामों की बात रहती हैं. ओके, तो इस प्रकार से हम इस पोएम को पढ़ेंगे. और हमारे जो पोइटेस हैं उन्होंने टाइगर्स, देखो कैसे आंट जेनिफर्स टाइगर इसको नाम कैसे दिया है, ऐसे उन्होंने टेंथ क्लास की पोएम उसमें ट्रीज लिखा है. इनफैक्ट वो ट्रीज नहीं है, और ऐसे ये टाइगर नहीं, टाइगर तो एक काल्पनिक है. शुरू करते हैं पोएम को, और बिल्कुल क्लियरली समझना, लास्ट तक समझना. अगर फिर भी कोई डाउट हो जाए तो मुझे पूछना लास्ट में जाके. ओके, शुरू करते हैं पोएम का एक्सप्लेनेशन. तो हमारे जो पोइटेस हैं, जो एडरिन हैं, वो बताती हैं, सुनिए देखते हैं. आंट जेनिफर्स टाइगर प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन. अब देखिए जो जो आंट जेनिफर्स हैं उनके टाइगर हैं वो एक स्क्रीन है, एक वॉल स्क्रीन है, उस पर वो प्रांस करते हैं, वो उछलते हैं. ब्राइट टोपाज टेनिसन ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. वो एक क्या है, वो एक ग्रीन वर्ल्ड में रहते हैं, वो ये जो वर्ल्ड है उसमें हरे भरे संसार में रहते हैं, उसके निवासी लगते हैं वो. ठीक है, तो ये टाइगर है जो आप देख रहे हैं. ऐसे टाइगर्स कई सारे टाइगर्स आंट जेनिफर्स ने एक स्क्रीन पर बनाए हैं ऊन से. ठीक है, एक ड्राइंग सी बना रखी टाइगर्स की, और वो प्रांस कर रहे हैं, वो उछल रहे हैं वो टाइगर्स. दे डू नॉट फियर द मैन बेनेथ द ट्री. और जो हमारी पोइटर्स कहती हैं कि जो टाइगर्स हैं उनको डर नहीं है उन लोगों का जो पेड़ के नीचे हैं. जो ट्री है जेनिफर्स ने बताया बनाया कि उस पर जो स्किन वॉल है उस पर टाइगर्स बना दिए हैं वूल से, और ट्री बना दिया, और वहाँ पर मैन भी दिखा दिए हैं. ये उनकी ड्राइंग में है, उनकी ये उन्होंने जो उनसे बनाया उसमें है. दे पेस लीक चिवालरिक अनसर्टेनिटी. हमारी जो पोइटिस कहती हैं कि वो जो टाइगर्स हैं वो बहुत ही ब्रेवली, उत्साह से, बहुत ही वीरता से, बिल्कुल ही ऐसा नहीं लग रहा है कि वो ठीक है डरे हुए हैं, इस प्रकार से वो एक निश्चित रूप से गति करते जा रहे हैं. जो टाइगर्स हैं आंट जेनिफर्स के, वो लगातार गति कर रहे हैं. किस पे? उस वॉल पे है ये टाइगर आपके. आगे हमारी जो पोइटेस हैं बताती हैं वो क्या बताती हैं, देखो. आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल. अब वो कहती हैं जो आंट जेनिफर है उनकी जो फिंगर्स हैं वो फ्लटर कर रही हैं, वो काँप रही हैं वूल से होकर, जो ऊन में जो उनके पास जो ऊन से वो बुनाई कर रही हैं उससे उनकी फिंगर्स काँप रही हैं. फाइंड इवन आइवरी डिल हार्ड टू पुल. और वो ना जो उनके उनके पास हाथी दांत की जो सुई है वो भी दिक्कत दे रही है, वो भी उनसे क्या है उसको भी वो पार नहीं कर पा रही हैं. ठीक है, तो आगे देखते हैं. द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड. हमारी पोइट्स कहती हैं कि जो अंकल की वेडिंग का वजन है, तो हमारे जो पोइट्स बताती हैं कि जो अंकल की जो शादी का वजन है, ठीक है, वो भी जो आंटी के जो आंटी के हाथों पर भी भारी पड़ रहा है. और वो बताती है कि जो आंटी का जो पूरी लाइफ है वो एक टाइप का स्लेव्स टाइप में गुजरी है. फिर मैं स्लेव्स क्या होता है, गुलामी करना, ऐसे है उनकी लाइफ पूरी स्लेव्स टाइप में गुजरी है. पूरी लाइफ उन्होंने क्या किया, अंकल की अंकल का जो मैरिज जो बॉन्ड था, जो शादी थी उसमें उसके जगह मैं पूरी ज़िंदगी उन्होंने डोमेस्टिक काम वर्क किए हैं, और केवल उनकी गुलामी की है.
अब हमारे जो एड्रेन जो हमारी पोइटस है एड्रेन जो बताती है कि किस प्रकार से जो जो वर्ल्ड है पूरे वर्ल्ड में जो वुमेन की स्थिति कैसी है। 90% जो वुमेन हो वुमेन 95% जो वुमेन है वो घर में ही काम करती हैं, आप भी जानते हैं मोस्टली जो वुमेन्स हैं वो घर में ही काम करती हैं। ठीक है तो देखते हैं आगे लास्ट की फुल लाइन दे, वो ज़्यादा जो हमारी पोइट हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल सी हो जाती हैं लास्ट की फुल लाइन से। मैं देखिए When aunt is dead, जब आंटी जो आंटी जी हैं वो मर जाएंगी, जब वो आंटी मर गई हैं समझ लीजिए, हर टेरीफाइड हैंड्स विल लाए, वो कहती कि जो उनके हाथ हैं उनके जो भयानक हाथ हैं जो भयभीत हाथ हैं वो बिल्कुल ही लाए हो जाएंगे, बिल्कुल ही बेजान से हो जाएंगे। ओके फाइंड सॉरी बिल्कुल ही वो बेजान से हो जाएंगे। स्टिल रिंग्ड विद ऑडियंस शी वाज मास्टर बाय, अब वो क्या है हमारी पोइट बताती हैं कि वो जो उनके हाथ अभी भी उसमें लिपटे होंगे उन चीज़ों में जो उन्होंने पूरी लाइफ किया था। मेरा मतलब कहने का क्या है कि जो आंटी हैं वो अभी भी वही काम जो उन्होंने काम किए थे जिनका पूरा जीवन गया था वो अभी भी उनके माइंड में चल रहा होगा, हालांकि जब वो मर जाएंगी फिर भी उनके माइंड में ये सब चल रहा होगा ये काम के बारे में। ठीक है तो लास्ट की जो दो लाइन्स उसमें देखिए हमारी पोइट कहती हैं टाइगर्स ऑन द पैनल दैट शी मेड, जो टाइगर्स आंटी ने जो बनाए पैनल पे विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनफेयर अनअफ्रेड, वो कहती हैं जो टाइगर आंटी ने बनाए पैनल पे वो बिना डरे हुए बिना किसी भय के वो हमेशा गति करते रहेंगे। ओके बिना किसी उसके प्राउडली वो हमेशा हमेशा के लिए गति करते रहेंगे। लास्ट में जो हमारी ऑथर बताती हैं वो बता रही हैं कि जो आंटी हैं बेचारी जिसने इन टाइगर्स को बनाया है वो बेजान पड़ी हुई है और वो हमेशा के लिए जा चुकी है, जो आंटी हैं आंट जेनिफर हैं वो हमेशा के लिए वर्ल्ड छोड़कर जा चुकी हैं और उनके टाइगर्स हैं वो प्रांस कर रहे हैं। ओके तो इस प्रकार से जो पोएम का हमारा अंत होता है। दोबारा देख लीजिए आप शॉर्ट में, आपको बता दूँ ये पोएम बहुत ज़्यादा जो सोशल इवेंट्स हैं खासकर जो वुमेंस के खिलाफ उनको रिवील करती है। देखिए क्या कहती है हमारी जेनिफर शॉर्ट में बता दें आपको, वो कहती हैं कि जो टाइगर्स हैं जो आंटी के बनाए हुए टाइगर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो डांस कर रहे हैं, वो उछल रहे हैं स्क्रीन वॉल पे एक ड्राइंग पे जो आंटी ने बनाई है फूल से, और वो लगता है कि जैसे लगता है ठीक है ऐसे ही मान लो कि वो ग्रीन वर्ल्ड के निवासी हों, चमकीले ग्रीन वर्ल्ड के निवासी हों और उन्हें डर नहीं किसी भी मैन का, उस मैन ट्री के नीचे खड़े हुए उन्हें डर नहीं उनका और वो एक गति से बिल्कुल ही बिना डरे बहादुर से गति करते जा रहे हैं। सेकेंड स्टैंड में हमारी पोइटर्स कहती हैं कि जो आंट जेनिफर है ना उनकी जो उंगली हैं वो उंगलियों से क्या है जो निडल है जो हाथी दांत की निडल है जो सुई है वो भी पार नहीं हो पा रही वूल में से होकर, इतनी कमज़ोर हो गई आंटी आंट जेनिफर। और वो कहती हैं कि जो अंकल की मैरिज का जो मैरिज का बॉन्ड है जो वेडिंग का जो वजन है उनके ऊपर वो अभी भी बहुत ज़्यादा है और वो पूरी ज़िंदगी अपना उसमें ही पूरी ज़िंदगी उन्होंने निकाल दी और उनके बिल्कुल जो उनके हैंड्स हैं बिल्कुल ही बहुत ही जैसे मान लो कि वो उनसे उनमें दबे हुए हैं शादी के बंधन में दबे हुए हैं। लास्ट में हमारी जो पोइटर्स कहती हैं कि जो आंटी हैं जेनिफर हैं वो मर गई हैं और उनकी जो जो उनके हैंड्स हैं वो बिल्कुल बिल्कुल निर्जीव से हो गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल ही लटके पड़े हैं, बिल्कुल ही रिग्ड हैं। ओके और जैसे मानो कि वो अभी भी गुलामी कर रहे हों अंकल की, उसने पूरी साल क्या पूरी लाइफ अपना अंकल की गुलामी की, अंकल के सारे काम किए डोमेस्टिक वर्क किए बच्चे प्रोड्यूस किए बच्चों की केयर की, लेकिन लास्ट में वो उसे कभी भी सम्मान नहीं मिला आंटी को। और ये हर एक वुमेन की स्थिति हमारी जो एड्रिन है वो बताती हैं इस प्रकार से। लास्ट में वो बोलती हैं कि भाई जो टाइगर्स हैं वो पैनल पर जो आंटी ने बनाए हैं वो क्या कर रहे हैं, वो लगातार ही ट्रांस कर जाएंगे, लगातार वो हमेशा के लिए क्या करेंगे ऐसे ही घूमते जाएंगे। इट मीन्स वो दिखा रही हैं लास्ट में हमारी जो पोइट्री से वो कह रही है कि हमेशा जो वुमेन से वो ऐसे ही प्रसाद होती रहेंगी लास्ट तक। ओके तो यहाँ पे इस पोएम का अंत होता है। बेटा फिर भी कोई डाउट रह गया हो आपके मन में तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके जहाँ से भी आपका डाउट रह गया हो, वैसे इतना टफ नहीं है, डिफिकल्ट वर्ड भी नहीं है इस पोएम में, बहुत ही नॉर्मल वर्ड्स यूज किए गए हैं ताकि हर कोई समझ पाए, कंपेयर टू जैसे आपकी सेकेंड पोएम है उसमें डिफिकल्ट वर्ड यूज किए हमारे स्पेंडर ने, लेकिन इन्होंने जो रिच हैं इन्होंने कम से कम टफ वर्ड यूज़ किए ताकि हर एक कोई समझ सके। ओके फिर भी कोई डाउट रहेगा तो मुझे पूछ सकते हैं बेटा। ओके थैंक यू।